देखो साहब, ये टावर से हमारे को बहुत डर है, रात दिन नींद नहीं है। यहाँ पर आज आग लग गई, कभी भी क्या भी हो सकता था, अभी गिरने के चांसेस हैं। इसके लिए हम इसको ये चाह रहे हैं कि दूसरे तरफ शिफ्ट करो, हमको इधर नहीं रखना है। अगर इधर रखेंगे तो जो है ना, हम पूरा हड़ताल करके रिंग रोड वगैरह सब बंद कर देंगे, DC को किसी को सब परमिशन नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम माफ़ी चाह ये कर रहे हैं कि बार बार जो है ना निकालने की कोशिश करो। आप काम करने आए तो हम और काम करने नहीं देते। हाँ, टोटली काम नहीं करना। आप ये टावर है परवाना, लेकिन खोल लेना, काम भी जाके शिफ्ट कर लेना। भाई 3 साल से बोल रहा हूं, 3 साल से कंटिन्यू बोल रहा हूं। आजू बाजू घर वाले है सब खाली हो गए, घर वाले खाली करे। हम लोग जो ना खाने के लिए आए तो जो ना ये टावर आग लग गया। पुलिस को कम्प्लेट करे, वो फायर ब्रिगेड को करे, फिर घर वाले को बोले। उन घर में घर वाले शहबाद में रहते हैं, उनकी बीवी टीचर है। अब आए उन्होंने पूरा बुझने के बाद। इसके लिए हम जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये निकाल के किधर भी शिफ्टिंग करना। हम काम करने तो टोटली नहीं देंगे इसको, इतना बोल रहे हम। इसलिए ले ना ऐसे शिफ्टिंग दूसरे तरफ करना, नहीं करेंगे तो जो है ना हम सीधा सीधा रिंग रोड वगैरह क्या बंद करना बंद करेंगे। और ये टावर के बारे में कोई भी आए तो काम करने नहीं देंगे। उनको टावर गैस से 3 साल से बोल रहा हूँ, उनको साउंड आ रहा बंद करो बोल के आ रहे। नया शिफ्ट करके जा रहे, 5G नहीं लगा तो मुझे लगा के गए। उन्होंने बोले तो सुन रहे नहीं। इनके ऑफिसर को भी बोला हमें निकालो बोल के, तो भी सुन रहे नहीं। अभी जगह वाले को बोले तो है ना, मेरी जगह पे मैं लगाई हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले बोल के बोल रहे हैं। चंद किराए के से है ना, दूसरों को नुकसान दे रहे नो। अभी क्या बोलना बोला, अभी नुकसान आओ बोले तो है ना, मैं आके क्या कर सकता हूँ। करने वाले वहाँ पे है, नुकसान कौन देने वाले देते बोल के बोल रहे हैं। अभी यहाँ से टावर निकाल देना है, जिस दिन से टावर इन्होंने फिट करे उस दिन से मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ उनको, निकालो बोल के, तो भी सुन रहे नहीं। अंदर के अंदर जाके पूरा टावर कंप्लेंट कर लिया। अब किसी के घर के पे गिरात क्या करना, कौन सी जिम्मेदारी? कैमरा बताओ उसको, लग के जो घर है ना वो मेरा घर है। अब एक वार्निंग दे रहे हम, अब जो इतना बर्बाद हुआ ना टावर, इसको रिपेयर करने जाएंगे तो कंपनी वालों का ही नुकसान है, क्योंकि हम रिपेयर होने देने वाले नहीं हैं। आज से ऑफिसर्स आए हुए हैं यहाँ पे, ऑफिसर भी सुन ले कि अब यहाँ पे अगर रिपेयर करेंगे तो रिपेयर होने नहीं देंगे हम। सीधा सीधा बोल रहे हैं आपको, नुकसान आपका ही है, नुकसान आपका ही है, रिपेयर होने नहीं देंगे। बेहतर रहता अभी जिस हाल में है वही हाल में इसको खोल लेकर यहाँ से शिफ्ट कर लीजिए। रिपेयर करने जाएंगे तो आप ही का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है, मैन पावर का नुकसान है, जो भी खर्चा आता कंपनी का ही नुकसान हो जाता। लेकिन ये एरिया वाले जितने दिख रहे अब से यहाँ आपको रिपेयर करने नहीं देंगे। ऑफिसर हायर अथॉरिटी वाले आए हुए है, मैं जब बात कर रहा हूँ वो अथॉरिटी वाले भी है, उन्होंने भी सुन रहे ये बात। ठीक है, इतना ही बोल रहा हूँ। उसको लग के मेरा घर है, आजू बाजू घर वालों के पूरे लेडीज को खाली करें हम। ऑफिसर्स वाले अब आए हुए है पूरा बुझाने के बाद, पूरे घर वालों के लेडीजों को हम दूर दूर बच्चों को वगैरह सबको शिफ्ट करने के बाद अब बुझाए। सो है वो कभी भी गिर सकता था। ये मीडिया वालों को या फिर कंपनी वालों को हकीकत बुझाने के बाद मालूम ही हुई है। ये हम बोलने के बाद पूरे एरिया वाले बुझाने में काम कर रहे थे जब से, हम बुझाने के लिए। तो यही रिक्वेस्ट है कि एरिया के कॉर्पोरेटर साहब भी आए, बोलते कि माशाल्लाह अच्छे ज़बरदस्त कॉर्पोरेटर है हमारे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने इमीडिएट 10-15 मिनट में आ गए। आने के बाद फायर ब्रिगेड को भी कॉल करे, पुलिस वाले को भी कॉल करे, उन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट हमारे साथ कर पानी का इंतजाम कर करने लगाए। और उनको भी बोल रहे हैं, एरिया के कॉर्पोरेटर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, रिक्वेस्ट है आपसे भी कि ये निकालने में आपका भी योगदान रहना चाहिए। आज बड़ी दुख वाली मैसेज डिपार्टमेंट तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज मेरे हलके में एक एक्सीडेंट हुआ। मैं बहुत से कंपनीज को फ़ोन लगाया कि ये टावर किसका है, ये मेरा नहीं है, तेरा नहीं है। बाद में फाइनली मालूम हुआ ये जियो कंपनी का है। बीइंग कॉर्पोरेटर के हैसियत से मैं ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि आपके जितने भी अर्थ में जो टावर्स हैं उसको आप एयर में लेकर जाइए बोलकर। उसके बावजूद भी ये लोग अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से आज ये एक्सीडेंट हुआ है। मैं आने वाले दिनों में अब फिलवक्त ये कैसा भी हम कर महल्ले वालों के कॉर्पोरेशन लेकर डेफिनेटली पहले सॉल्व करेंगे इसको, पहले आँख को बुझाएंगे, उसके बाद ये इनके जितने भी जो जिम्मेदार हैं उनको, महल्ले वालों के बीच में जो जिम्मेदार महल्ले के जो जिम्मेदार हैं उनको बुलाकर
एक अच्छा डिसीजन लेंगे और ज़रूर इस टावर को यहाँ से रिमूव करेंगे। और इस महल्ले वालों को मैं फिर एक बार उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस हादसे में मुझे कोऑपरेट करें, यहाँ के स्टाफ को कोऑपरेट करें, और जो आए हुए फायर ब्रिगेडर्स के और ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट और जेस्काम के, मैं उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बोलने पे अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली काम करने के लिए वो आए हैं। और रही दूसरी बात, जो जियो कंपनी के जो ऑफिसर्स नेग्लिजेंसी करें उनके ऊपर डेफिनेट मैं कार्रवाई ज़रूर करूँगा, और यहाँ के महल्ले वालों को थोड़ी भी तकलीफ़ होने नहीं दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मुनीर भाई ने मुझे बताया कि आपकी जिम्मेदारी है ताहिर भाई, आप इसमें ज़रूर अपना पार्टिसिपेट कीजिए। मैं ज़रूर जितने भी ज़मीन पे जो हैं टावर्स उसको ज़रूर रिमूव कर उसको एयर में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आज वार्ड नंबर 15 में जो इंसिडेंट हुआ है, जो टावर को आग लगने की वजह से तमाम यहाँ के रहने वाले जो परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसे कई एक हादसात शहर भर में हुए हैं, इसके बावजूद भी कॉरपोरेशन कमिश्नर यहाँ पर जहाँ भी आबादी है वहाँ पर इस तरह के टावर लगाने की परमिशन देता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। उसे लोगों की जानों की परवाह नहीं है, कॉरपोरेशन कमिश्नर को, हेल्थ ऑफिसर को। यहाँ पे कॉरपोरेशन कमिश्नर का, हेल्थ ऑफिसर का, तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है ये टावर लगने में। और जब ये टावर लगता है तो सिर्फ हम यहाँ के प्लॉट ऑनर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, प्लॉट ऑनर भी इसका जिम्मेदार होता है, कॉरपोरेशन कमिश्नर भी होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, जो यहाँ के एरिया के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब थे, जो जब ये टावर लगा था, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि उनके विथआउट परमिशन ये टावर नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे टावर होना चाहिए 40-60 के प्लॉट में, जहाँ फेंसिंग करा कर टावर बिठाया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से 10x10 के जगह में टावर बिठाकर बाजू से घर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग देख रहे हैं मीडिया के जरिए किस तरह से यहाँ पर आग लगी थी। और अगर यहाँ पे अगर ऐसे कुछ हादसात होते हैं और ये टावर यहाँ से नहीं लगता, तो इस मोहल्ले के एक वोटर होने के नाते मैं तमाम लोगों को लेकर कॉरपोरेशन कमिश्नर और हेल्थ ऑफिसर, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव और तमाम लोगों के ऊपर जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उन तमाम लोगों के ऊपर एफ आई आर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।